क्राइम की स्टोरी में आज कहानी है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का रहने वाला। 20 साल भी उसकी उम्र पूरी नहीं हुई, वो 20 साल का होता उससे 2 महीने 2 दिन पहले ही वो अपने अंजाम तक पहुंच गया। इस कम उम्र में जिस तरीके से अपने जुर्म की दुनिया में अपनी दहशत फैलाई, पूरा उज्जैन लगभग इंदौर भी उसके नाम से कांपता था, जिसके न जाने कितने गैंग मेंबर थे। इसके अलावा उसके फॉलोअर भी थे, क्योंकि वो सोशल मीडिया का भी सहारा लेता था। शायद ये देश का इकलौता ऐसा गैंगस्टर था जिसने अपने गैंग का बकायदा एक ड्रेस कोड बनाया था। इसकी शुरुआत उसने खुद की थी। माथे पर लाल टीका, आंखों में सुरमा, कंधे पर गमछा, ये इसकी पहचान थी और यही पहचान थी इसके गैंग की। ये सारे लोग एक ही ड्रेस में रहते थे और इसके बाद जुर्म की दुनिया की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। बड़े बड़े तो छोड़िए, छोटे छोटे बच्चे भी इसके फैन हो गए थे। सोशल मीडिया पर देखकर ये भूल गए थे कि गुनाहों का जो रास्ता होता है वो बहुत छोटा होता है और बहुत आगे तक नहीं जाता, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको अपनाया। कहानी उसी दुर्लभ कश्यप की है। दुर्लभ कश्यप कौन था और साथ ही उसकी की गई अपराध और दुर्लभ कश्यप की मौत कैसे हुई, जानेंगे इस वीडियो में। ये कहानी बेहद अफसोसनाक इसलिए भी है क्योंकि दुर्लभ कश्यप के जो पिता हैं, दुर्लभ कश्यप के मौत के बाद वो लोगों से एक अपील करते हैं जो कहानी में आपको आगे बताएंगे। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। दुर्लभ कश्यप का जन्म 8 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था। इनके फादर थे रजनीश कश्यप, जो एक बिजनेसमैन थे, और माता स्कूल की टीचर थी। वो अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। जब दुर्लभ कश्यप अपने स्कूल में था तभी उसके रंग दिखने शुरू हो गए थे। थोड़े वक्त के बाद ये स्कूल में सीनियर और जूनियर के बीच में जब लड़ाइयाँ होती तो वो उसमें कूद पड़ता। धीरे धीरे उसका दबदबा इतना हो गया कि वो सीनियर जूनियर की लड़ाइयों का निपटारा करने लगा और फिर देखते ही देखते एक दबंग स्टूडेंट की छवि बन गई। उसके बाद जो भी लड़ाई झगड़ा होता तो वो स्टूडेंट दुर्लभ कश्यप के पास आते। खैर, ये सिलसिला स्कूल में चलता रहता है और 2016 आते आते महज 16 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में चल पड़ा। उसका फेसबुक पर एक अकाउंट भी था जिसमें कुख्यात बदमाश, कातिल और अपराधी लिखा हुआ था और साथ ही उसके स्टेटस में एक लाइन लिखा था कि कोई भी विवाद हो या कोई विवाद होने पर उससे संपर्क करें। दुर्लभ कश्यप फेसबुक के सहारे दहशत फैला रहा था। उसके साथ कई लोगों का गैंग था जो डराना धमकाना, जान से मारने की धमकी देना, साथ ही बड़े बड़े अपराध में शामिल रहना, इस तरह का उनका काम था। उनके गैंग में कई ऐसे नाबालिग भी थे जो दुर्लभ कश्यप के साथ मिलकर बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देते थे। दुर्लभ कश्यप उज्जैन में बड़े बड़े अपराध करके दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा था और उसके गैंग में कई लोग थे और उस गैंग का एक विशेष ड्रेस कोड था। माथे पे लाल टीका, आंखों में सुरमा और कंधे पर गमछा, उन लोगों का एक विशेष पहचान था। साल था 2018। दुर्लभ कश्यप अपने दहशत को फैलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और फेसबुक पर एक अकाउंट बनाया जहां पर वो पोस्ट करके दहशत फैलाने की कोशिश की थी। उस वक्त कश्यप के साथ उसके गैंग के 30 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा था। उनमें से कुछ लड़के नाबालिग थे। दुर्लभ महज कम उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख के उज्जैन में बहुत सारे अपराधों को अंजाम दिया। दुर्लभ कश्यप अपने अपराध को अंजाम देने के लिए सोशल मीडिया के सहारे ऑनलाइन गिरोहों का इस्तेमाल करता था। उसके उम्र के कई ऐसे बच्चे थे जो उसके साथ जुड़ने लगे और अपराध को अंजाम देने लगे और इस तरह अंत में वो एक बड़ा गैंगस्टर बन गया। दुर्लभ कश्यप की गैंग में 100 से भी ज्यादा युवा शामिल थे जहाँ अधिकतर नाबालिग थे। सोशल मीडिया के सहारे कम उम्र के लड़कों के बीच दुर्लभ कश्यप काफी फेमस हो रहा था। दुर्लभ कश्यप 2018 में महज 17 साल की उम्र में फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर युवाओं के मन में एक तहलका मचा दिया। उज्जैन शहर में कम उम्र के युवाओं के बीच दुर्लभ की लोकप्रियता बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे करके उसके गैंग में 100 से भी अधिक लोग जुड़े हुए थे। ऐसे ही धीरे धीरे करके उज्जैन शहर में दुर्लभ कश्यप का आतंक फैलने लगा था। उसके नाम से छोटे से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन तक थर थर कांपते थे। उसके बढ़ते अपराध उज्जैन पुलिस के लिए एक चुनौती भरा था कि 18 साल का एक लड़का कैसे उज्जैन में धीरे धीरे आतंक फैलाने लगा। उज्जैन में उस समय आईपीएस सचिन अतुलकर जी एसपी हुआ करते थे। उन्होंने शहर में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए हिस्ट्री सीटर लिस्ट जारी की, जिन लिस्ट में दुर्लभ कश्यप तथा उसके गैंग के लोग ही थे। दरअसल हिस्ट्री सीटर पुलिस की तरफ से अपराधियों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला एक शब्द है। इस शब्द का प्रयोग उस अपराधी के लिए किया जाता है
जो कि कई अपराधों में शामिल रहा हो और पुलिस उसके अपराधों का पूरे विवरण को पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया हो। 2018 में एसपी ने एक ऑपरेशन के दौरान और उसके 23 साथियों को गिरफ्तार किए थे। उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था, लेकिन वहाँ कुछ लोग नाबालिग होने के कारण उन लोगों को बाल सुधार केंद्र में भेज दिया गया था और उस समय दुर्लभ कश्यप भी नाबालिग ही था। लेकिन कुछ दिन बाद जब वो बालिग हुआ तो उसे जेल में भेज दिया गया और इसी जेल में एक बार दुर्लभ कश्यप से मुलाकात करने के लिए आईपीएस सचिन अतुलकर मिलने आए थे। तो उन्होंने चेतावनी के तौर पर दुर्लभ कश्यप को कहा था कि तुम जेल में रहोगे तो जिंदा रहोगे, तुमने अपने कम उम्र में अधिक दुश्मन बना लिया है। दुर्लभ कश्यप करीब एक साल तक जेल में रहा था, लेकिन 2020 में दुर्लभ ने अपनी रिहाई करवाई थी। जेल से छूटने के बाद वो पहले कुछ दिन इंदौर में रहता है और फिर अपने माँ के पास उज्जैन पहुँच जाता है और ये साल उसका आखिरी साल था। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, दुर्लभ कश्यप 16 या 17 साल की उम्र में अपराधों की दुनिया में पांव रखा। इस उम्र में बच्चे अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में लगे होते हैं, लेकिन दुर्लभ के मन में बादशाह बनने का ऐसा धुन सवार हुआ और निकल पड़ा गलत रास्तों में, जहाँ जाना बहुत आसान है लेकिन वहाँ से वापस आना बहुत ही कठिन। कहते हैं अपराध की दुनिया बहुत छोटी होती है, उस रास्ते पर चलकर दुर्लभ कश्यप खुद अपनी मौत का कारण बना। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये बात है लॉकडाउन से पहले करीब फरवरी महीने के आसपास की। वो जेल से छूटा और इंदौर रहने चला आया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो फिर से उज्जैन अपनी माँ के पास रहने के लिए चला आया। ये बात 6 सितंबर 2020 की है। दुर्लभ कश्यप के गैंग के कुछ लोग रफीगंज के हारमूल वाली गली में एक चाय की दुकान पर आते हैं और वो लोग चाय पीने नहीं आए थे। वहाँ चाय दुकानदार अमर उर्फ भूरा खुर मजारी को चाकू दिखाकर धमका के चले गए, जिसके बाद रात को 1 बजे दुर्लभ कश्यप अपने 5 साथियों के साथ उस चाय की दुकान पर आता है। वहाँ पहुँचने के बाद दुर्लभ देखता है कि चाय की दुकान के सामने शहनवाज खड़ा था, जो कि वहाँ का एक लोकल गुंडा है। दोनों के बीच कुछ कहा सुनी होती है। इसी बीच दुर्लभ शहनवाज को कांटे निकाल कर गोली मार देता है और गोली जाकर उसके कंधे पर लग जाती है और शहनवाज वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर शहनवाज के गैंग के लोग उसे घेर लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं और इस गैंग वार में हारते हुए देखकर दुर्लभ कश्यप के 4 साथी उसे छोड़कर भाग जाते हैं। दुर्लभ कश्यप को उस गैंग वार में अपने जान से हाथ धोना पड़ा। उस पर चाकू से 34 बार हमला किया गया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि अपराध की दुनिया में नाम कमाने की चाहत रखने वाला दुर्लभ कश्यप का 7 सितंबर 2020 को गैंग वार के हमले में महज 20 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद जो दुर्लभ कश्यप के पिता हैं, उन्होंने लोगों से अपील की कि वो उनकी बेटी की तरह ना बने, वो उसकी कॉपी ना करें, ये रास्ता ठीक नहीं है और इसमें कम उम्र में मौत हो जाती है। ये बहुत ही भावनात्मक उनकी अपील थी। आपको ये सच्ची घटना की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इस तरह की क्राइम से जुड़ी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।